أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأحسنوا إن الله يحب المحسنين تمام قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تحمیدات اور تمجیدات پاکیزہ و مبارک کلمات اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی ذات با برکت واسطے درود و سلام نبی مکرم رسول معظم رہبر دو عالم سرور دو عالم بدر الدجا شمس الضحا والی بتحا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہ دی اتباع و فرما برداری وجہ نجات اور نافرمانی غستاخی بے ادبی وجہ عذاب ہے اللہ رب العزت سنو سبنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پکا اور سچا تابع دار بنائے حضرات گرامی معزز سامعین و سامعات ہر انسان دے دل اندر رہی اے آرزو اے خواہش ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مومن آدمی مسلمان اے تمنا اور خواہش رکھدا ہے کہ اللہ رب العزت میرے نال محبت کرن اللہ رب العزت میرے نال پیار کرے اور پھر ہر وہ شخص جو اپنے اس دعوے اندر اپنی اس آرزو اور خواہش اندر سچا ہے محنت بھی کردہ ہے کوشش بھی کردہ ہے کہ اللہ رب العزت منو اپنی محبت اور اپنی قربت نصیب فرما دے اللہ رب العزت نے ایسے اسباب ایسے ذرائع قرآن مجید اندر بیان فرمائے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسیاں بڑیاں باتاں اپنی مقدس اور بابرکت زبان وچو بیان فرمائیاں اگر کوئی شخص اونا باتاں اپنا لیندے اونا باتانو اپنے عمل اندر لے آندائے تو انسان اللہ دا محبوب بن سکتے
अल्लाह रब्बुल इज्जत दी मोहब्बत और प्यार इंसान नू नसीब हो सकता है। मैं इंशाअल्लाह नहायत ही मुख्तसर वक्त अंदर कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करना चाहांगा जिन्ना नल अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करते ने, अल्लाह प्यार करते ने। या इस तरह समझो कि ऐसी सिफात और ऐसी खूबियां दे हामिल लोगों का जिक्र करांगा जिन्ना खूबियां और सिफतां की वजह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदियां नाल मोहब्बत और प्यार करते हैं। बड़ा ही अहम मौजू, बड़ी अहम बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुरान तो बात नू शुरू करने हैं। कुरान करीम अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात नू बड़ी वजाहत नाल खोल के बयान किया है। अल्लाह पाक ने अपने कुरान करीम अंदर ऐलान फरमाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वइन हकमता फहकुम बैनहुम बिलकिस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन। अल्लाह पाक ने अपने कुरान करीम अंदर अपने प्यारे महबूब, अपने लाडले पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब की तौर फरमाया, ऐ मेरे प्यारे कमली वाले जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन हकमता फहकुम बैनन फहकुम बैनहुम बिलकिस्त। ऐ मेरे महबूब, जदो तुसी लोगों के दरमियान फैसला करो ना तो इंसाफ दे नाल फैसला करना है। इंसाफ करना है, इंसाफ करना है। क्यों? इंसाफ करने वाले नाल, इंसाफ करने वाले नाल अल्लाह बड़ी मोहब्बत करदा है, अल्लाह बड़ा प्यार करदा है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन। इंसाफ करने वाले नाल अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत करदे, बड़ा प्यार करदे ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर इमामुल अंबिया ने अपनी सारी जिंदगी हर मामले दे अंदर इंसाफ किया। इमामुल अंबिया अगर बाप दी हसीयत अंदर ने तो औलाद अंदर इंसाफ करके दसिया। अगर इमामुल अंबिया मुअल्लिम उस्ताद दी हसीयत अंदर तो इमामुल अंबिया ने अपने शागिर्दां दे दरमियान इंसाफ किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दरमियान भी इंसाफ किया और बेगानियां दे दरमियान भी इंसाफ किया। इनाम अल्लाह अकबर। अल्लाह कमली वाले दा अदल, इमाम अंबिया दा इंसाफ, अल्लाह अकबर। अल्लाह अहादीस दियां किताबां दे अंदर एक वाकया नहीं, दो नहीं, बहुत सारे वाके। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ करके दसिया, ओ दुनिया जहान अंदर जिंदगी बसर करने वाले एवं इंसाफ करना जे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका ते सही बुखारी दी रवायत, इमाम अंबिया माल गनीमत नु तकसीम करदे पे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक जनाबे वाला मुनाफिक आदमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया ते इमाम अंबिया नु मुखातिब हो के कहन लगा, इदलिया
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेनू इंसाफ दी तालीम देने वाले, मेनू इंसाफ दी तरगीब दिलाने वाले, मेनू इंसाफ दे बारे वाज करने वाले, अगर मैं इंसाफ नहीं करांगा तो कायनात अंदर फिर कौन इंसाफ करेगा नाम। आ नजरा मेरे तो बढ़ के कायनात अंदर इंसाफ करने वाला कौन है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इमाम उलंबिया कायनात अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात तो बाद सब तो ज्यादा इंसाफ करने वाले। एक ही वजह है कि अल्लाह पाक नु सब तो ज्यादा अपने महबूब नाल अपने पैगंबर नाल प्यार है ना, इमाम उलंबिया नाल सब तो ज्यादा मुहब्बत, सब तो ज्यादा प्यार वजह की है ना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं इंसाफ करने वाले नाल मुहब्बत करना वा, इंसाफ करने वाले नाल प्यार करना। ओ मेरे दोस्ता तू भी इंसाफ करिया करना, अगर फैक्ट्री अंदर है अपने मुलाजमान दे दरमियान इंसाफ करिया कर, अगर अल्लाह पाक ने तेनू बाप बनाया अपनी औलाद अंदर इंसाफ करिया करना, अगर अल्लाह पाक ने तेनू उस्ताद बनाया अपने शागिर्दा दे अंदर इंसाफ करिया कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने तहतां दे दरमियान इंसाफ करिया कर, जदों इंसाफ करेगा मेरा अल्लाह तेरे नाल मुहब्बत करेगा, अल्लाह पाक तेरे नाल प्यार करेगा। ते जदों तेरे नाल अल्लाह पाक मुहब्बत करेगा प्यार करेगा ना, अल्लाह दी कसम है तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखरत भी संवर जाएगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अर्ज़ कर रहा वा कि अल्लाह पाक मुहब्बत किन्ना लोगों नाल करदा है। आओ नजरा अज इस बात नू समझना कि अल्लाह पाक दी मुहब्बत किड़े खुश नसीब लोगों नू नसीब हुंदी है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान करीम दा एक दूसरा मुकाम तेरे गोशो गुदार कर दिया, अल्लाह पाक किन्ना लोगों नाल मुहब्बत कर दे ने, अल्लाह पाक किन्ना लोगों नाल प्यार कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं उन्हां लोगों नाल मुहब्बत करना, उन्हां लोगों नाल प्यार करना वा, उन्हां लोगों नाल मेरी मुहब्बत है, उन्हां लोगों नाल मेरा प्यार है ना, जिहड़े काफरां दे सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होंदे, जिहड़े मैदान जिहाद अंदर काफरां दा मुकाबला कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह काफरां दा मुकाबला करन वाले, काफरां दे सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होने वाले। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं इन्हां लोगों नाल मुहब्बत करना, इन्हां लोगों नाल मैनू बड़ा प्यार है ना। ये कोई वजह है कि अल्लाह पाक नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जमात नाल सब तो ज्यादा प्यार है, इमाम उलंबिया दे गुरु नाल सब तो ज्यादा प्यार, इमाम उलंबिया दे सहाबा नाल सब तो ज्यादा प्यार। इस दी वजह ये आ कि सहाबा इकराम हर मौके ते हर मैदान अंदर काफरां दे सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए। जंगे बदर नू देख लो ना, जंगे उहद जनाबे वाला मुतालिया करके देख लो, जंगे यरमूक देख लो, जंगे तबूक देख लो ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा हर जंग दे मौका ते काफरां दे सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैदान जिहाद नू सजाया है अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत और फरमा बरदारी अंदर मैदान जिहाद अंदर खड़े होने वाले सीसा पिलाई दीवार दी तरह अल्लाह इन्ना लोगों नाल मुहब्बत करदा है, अल्लाह इन्ना लोगों नाल प्यार करदा है। जिहाद करने वाले, किताल करने वाले, अपनी जान दा नजराना पेश करने वाले मैदान किताल अंदर मैदान जिहाद अंदर कुफार दे मुकाबले दे अंदर,
लेकिन आज मामला कुछ अजीब है। अल्लाह अकबर अल्लाह, असी काफरां दे मुकाबले अंदर शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े होना सी, लेकिन बड़े अलमिया दी बात, बड़े दुख नाले बात कहना पैंदी है। असी आपस अंदर ही एक दूसरे दे सामने शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, आपस अंदर इख्तलाफात ऐसे शुरू कर ले, ओ जुबान जेड़ी मोदी साढ़े मुल्क पाकिस्तान दे बारे नपाक जुबान अपनी जनाब दराज कर दाए, ओ जुबान अज मुसलमान पाकिस्तान दा बासी, पाकिस्तान अंदर रहने वाला पाकिस्तान दा शहरी जनाब ओही जुबान बोल रहा है कि जनाब पाकिस्तान दे तीन टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान तीन हिस्से अंदर तकसीम हो जाएगा, पाकिस्तान एटमी असासे तो महरूम हो जाएगा। सुन लो, जब तक साढ़े मुंह अंदर जुबान है, साढ़ी जिस्म अंदर जान है, मुल्के पाकिस्तान दे दिफा दे वास्ते असी बोलते रहेंगे, असी मुल्के पाकिस्तान दे दिफा अंदर अपनी औलाद भी कुर्बान कर सकने हाँ, अपनी जान भी कुर्बान कर सकने हाँ, अपने माल भी कुर्बान कर सकने हाँ, लेकिन मुल्के पाकिस्तान दी तरफ उठन वाली मैली अख निकाल के रख दे आंगे, मुल्के पाकिस्तान दे खिलाफ उठन वाले हाथ तोड़ के रख दे आंगे। मुल्के पाकिस्तान दे बारे किसे नू एहो जुबान दराजी करम दी हिम्मत जरूरत और इजाजत नहीं देंगे। सानू हुक्म सी असी काफरां दे मुकाबले अंदर खड़े होना है, लेकिन असी आपस अंदर ही एक दूसरे दे मुकाबले अंदर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, ए अलमिया है, कौमां दी तबाही और बर्बादी इसे तरह ही होंदी है। जाओ तारीख पढ़ के देख लो, जो आपस अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाए, आपस अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, आपस अंदर अल्लाह अकबर मामलात बिगड़ जान, खराब हो जान, फिर तबाही और बर्बादी मुकद्दर होंगी। अल्लाह अकबर अल्लाह। और मेरे भाई, आपस अंदर एक दूसरे का असी मुकाबला नहीं करना, असी ते काफर का मुकाबला करना है, असी ते अल्लाह दे बागी दा मुकाबला करना है, असी ते उन्हां दा मुकाबला करना है जेड़े साडे दीन दे दुश्मन ने, इस्लाम दे दुश्मन ने, अल्लाह दे दुश्मन ने, रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुश्मन ने, और जेड़े साडे मुल्क पाकिस्तान दे दुश्मन। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरशाद फरमाया कि मैं उन्हां नाल मुहब्बत करना, उन्हां नाल प्यार करना जिहड़े मैदाने जिहाद अंदर शीशा पिलाई दीवार बन के कुफार दा मुकाबला कर दे। अल्लाह पाक ने अपने कुरान करीम अंदर ऐलान फरमाया, इन्नल्लाह يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص। फरमाया मैं उन्हां लोगों नाल प्यार करना, उन्हां लोगों नाल मैं मुहब्बत करना वा जिहड़े मैदान जिहाद अंदर अल्लाह दे रास्ते दे अंदर फी सबीलिही, उस दे रास्ते दे अंदर अल्लाह पाक दी तौहीद नूं गालिब करन वास्ते, शिरक नूं मिलिया मेट करन वास्ते, अल्लाह पाक दे दीन दे गलबे वास्ते जिहड़े मैदान जिहाद अंदर जनाब शीशा पिलाई दीवार बन के काफरां दे सामने खड़े हुंदे, काफरां दा मुकाबला करदे। अल्लाह अकबर अल्लाह पाक उन्हां नाल प्यार करदा जे उन्हां नाल अल्लाह पाक दी मुहब्बत है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपस अंदर लड़ाई नहीं करनी, आपस अंदर मुहब्बत नहीं कर, आपस अंदर मुहब्बत करनी है, प्यार करना है ना, जिवें सहाबा-ए-किराम रहमान
بینہم جویں صحابہ کرام آپس اندر بڑے نرم دل بڑی محبت کرنے والے اور کافران دے بارے بڑے سخت نے اللہ اکبر اللہ سانو بھی ان صحابہ کرام دے نقشے دے چلنا پئے گا صحابہ کرام دے طرز عمل نو اپنانا ہوئے گا پھر ہی کامیابی ملے گی نا دنیا دی کامیابی آخرت دی کامیابی اللہ اکبر اللہ اکبر کافران دے مقابلے اندر کھڑے ہوں گے اللہ دی محبت نصیب ہوئے گی آپس اندر محبت اور پیار کریں گے اللہ پاک دی محبت نصیب ہوئے گی اللہ پاک دا پیار نصیب ہوئے گا آو نظرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ محتا امام مالک دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا حدیث قدسی امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار شاد گرامی قال اللہ تعالی اللہ پاک دار شاد اللہ پاک دا فرمانی نام وجبت محبتی للمتحابین فی اللہ اکبر اللہ عرض کرنی ہے کہ اللہ پاک محبت کنا لوگاں نال کردا ہے اللہ دا پیار کنا لوگاں نو نصیب ہوندا ہے اللہ پاک دی محبت کنا لوگاں نو ملدی ہے نام اللہ اکبر اللہ وجبت محبتی للمتحابین فی فرمایا میری محبت انہاں لوگاں واسطے واجب ہو جاندی ہے انہاں لوگاں واسطے میری محبت لازمی ضروری ہے نا اللہ اکبر اللہ جڑے ایک دوسرے نال میری رضا دے واسطے پیار کردے نے میری رضا دی خاطر محبت کردے نے اللہ اکبر اللہ میرے دوستاں دوستیاں تے لگا دیو نا لیکن اللہ پاک دی رضا واسطے محبت کریا کرو ایک دوسرے نال پیار کردے تے اللہ پاک دی رضا واسطے پیار کریا کرو اللہ دی قسم جدو اللہ پاک دی رضا واسطے پیار کرو گے صرف اللہ پاک دی محبت نہیں ملے گی بلکہ اللہ پاک دی طرفوں رحمت بھی ملے گی اللہ پاک دی طرفوں برکتاں بھی نصیب ہو گیاں جدو اللہ پاک دے واسطے پیار کرو گے محبت کرو گے نا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر دوستیاں دے اندر برکت ہوئے گی نا اگر اللہ پاک دی وجہ تو محبت نہ ہوئی عقیدہ توحید دی وجہ تو محبت نہ ہوئی اگر اللہ پاک دی رضا واسطے پیار نہ ہویا پھر یاد رکھیا جے نا ایہو دوستیاں دنیا دے اندر بے برکتی دا سبب بن جاندیاں ایہو دوستیاں دشمنی دا سبب بن جاندیاں تسی سن دے رہن دے ہو نا اللہ اکبر اللہ اخبارات پڑھ دے ہو نا تساں نے جناب سوشل میڈیا تے میں دے بڑے واقعات سنے ہون گے جناب فلام دوست اپنے دوست نو کروں بلا کے لگیا پھر بڑی بے دردی دے نال قتل کر دیتا ہے نا فلاں دوست نے اپنے دوستاں دے نال مل کے اپنے ایک دوست نو بڑی بے دردی دے نال قتل کر دیتا ہے ایہو جیاں خبراں ایہو جیاں باتاں سنتے رہندے ہو اے والیاں باتاں اے والے واقعات ادوں ہوندے نے جدو اللہ دی رضا واسطے پیار نہ ہوئے جدو دنیا دے کسے مطلب لی پیار ہوئے جدو دنیا دی کسے غرض واسطے پیار ہوئے نہ جدو دنیا دے کسے فائدے واسطے پیار ہوئے ادوں ایہو جیاں بے برکتیاں سامنے آ دیاں نے آؤ نہ جدو اللہ پاک دی رضا واسطے محبت کرو گے ادو اللہ پاک دا پیار نصیب ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فی فرمایا کہ میری محبت میرا پیار انہاں لوگاں واسطے لازم ہو جاندا جڑے ایک دوسرے نال پیار کردے نے تے میری رضا دے واسطے پیار کردے اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام نو دیکھو کیویں ایک دوسرے نال محبتاں کیویں ایک دوسرے نال پیار نے اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسم انہاں نے تے مثالاں قائم کر دتیاں ساڈے واسطے نمونے تیار کر دتے جناب پیار کرنا ہے تے ایویں پیار کرنا ہے ایویں ایک دوسرے نال محبت کرنی ہے ایویں ایک دوسرے نال پیار کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے دوستو توجہ کرے اج ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اگلے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو والی بات ارشاد فرمائی واجبت محبتی للمتحابین فیہ کہ انہاں لوگاں واسطے میری محبت جڑے ایک دوسرے نال میری وجہ تو پیار کر دے ایک اور حدیث
मुबारक मैं याद आई ना। इमाम अंबिया ने फरमाया सिर्फ अल्लाह पाक की मुहब्बत ही नसीब नहीं होएगी, सिर्फ अल्लाह पाक का प्यार ही नसीब नहीं होएगा, बल्कि होर भी बड़िया जनाबे वाला फायदे और भी बड़े ज्यादा फायदे नसीब होंगे ना। इमाम अंबिया की एक दूसरी हदीस सही बुखारी के अंदर इमाम अंबिया ने फरमाया जेड़े दो बंदे एक दूसरे नाल मुहब्बत करते ने प्यार करते ने राजुलानी तहाबा फिल्ला, जेड़े दो बंदे अल्लाह पाक वास्ते प्यार कर दे अल्लाह पाक दे वास्ते मोहब्बत कर दे इजतमा वतफ अलैहि वतफरका अलैहि, कट्ठे होंदे ने अल्लाह वास्ते जुदा होंदे ने अल्लाह पाक दी रजा वास्ते। फरमाया क्यामत वाला दिन होएगा अल्लाह अकबर जो कोई भी साया नहीं होएगा, लोग बड़े परेशान होंगे, अल्लाह अकबर सूरज करीब होएगा और गर्मी शिद्दत दी होएगी, पसीने दे नाल लोग शराबूर होंगे, इस कदर परेशान होंगे इस कदर परेशान होंगे जिंदा कोई अंदाजा नहीं जिंदा कोई हिसाब ही नहीं है ना। रिवायात अंदर मिलता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों का जनाब इन्ना को पसीना निकलेगा इन्ना पसीना होएगा, बाज रिवायात अंदर लोग इन्ना रोन गे ना इन्ने आंसू बहान गे अगर इन्ना दे आंसुआ दे अंदर कश्तियां चलाइया जाम ते कश्तियां भी चलाइया जा सकदियां ने। एहो जिहा सख्त मंजर होएगा एहो जिहा खौलनाक मंजर होएगा ना। फरमाया लोग साए की तलाश अंदर निकलेंगे कोई सलाया साया ही नहीं मिलेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह उस दिन साया मिलेगा अल्लाह पाक दी जात दा साया मिलेगा यानी अल्लाह पाक दे अरश दा साया मिलेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह ते अल्लाह पाक दे अरश दा साया किन्ना लोगों नू नसीब होएगा। आओ नजर आओ ना खुश नसीबां विचो ओ वाले दो खुश नसीब भी ने जिहड़े आपस अंदर मुहब्बत करदे ने ते अल्लाह पाक नू खुश करन वास्ते जिन्ना दी मोहब्बत दीन वास्ते जिन्ना दा प्यार अल्लाह वास्ते। अल्लाह अकबर फरमा क्यामत वाले दिन अल्लाह पाक इन्हां नूं अपने अरश दा साया नसीब करेगा, जिस दिन कोई भी साया नहीं होएगा अल्लाह अकबर अल्लाह ना करिया कर मतलब दे प्यार ना करिया कर मतलब दियां दोस्तियां ना लाया कर अल्लाह वास्ते दोस्तियां लगाया कर अल्लाह दी रजा वास्ते प्यार करिया करना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल मुताजालिसीना फिया, अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरी मोहब्बत उन्हां लोगों के वास्ते वाजिब हो जाती है जिहड़े जदों भी बैठते ने ते मैनू खुश करन वास्ते बैठते ने मैनू राजी करन वास्ते बैठते। साड़ियां ते पलानिंग ही अजीब ने ना, कदी किसी के खिलाफ पलानिंग कदी किसी के खिलाफ प्रोपेगंडा कदी कोई जनाबे आला किसी की गीबत है, असी ते इस वास्ते बैठने आ लोगों दियां गीबतां करन वास्ते लोगों के खिलाफ प्रोपेगंडे करन वास्ते ना। मेरे भाई अल्लाह की रजा वास्ते जो मिल बैठोगे ना फिर अल्लाह की मोहब्बत लाजम हो जाएगी, फिर अल्लाह प्यार करेगा अल्लाह मोहब्बत करेगा अल्लाह की बरकत नसीब होएगी अल्लाह की रहमत नसीब होएगी, जिंदगी अंदर इत्मीनान मिलेगा सुकून मिलेगा घर अंदर इत्मीनान मिलेगा कारोबार अंदर अल्लाह बरकत अदा कर देगा। जो तू बैठेगा तो अल्लाह नु खुश करने वास्ते बैठे अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ जरा तवज्जो करिया जे अल्लाह पाक दे प्यारे नबी ने फरमाया हबीबे किबरिया ने फरमाया उस पैगंबर ने फरमाया जिंदी जात भी आला ते बोलो जिंदी बात भी बोलो जिंदी शान भी। उस पैगंबर ने फरमाया अल्लाह अकबर जिंदा सीना भी आला जिंदा पसीना भी जिंदा मदीना भी। उस पैगंबर ने फरमाया अल्लाह अकबर जिस पैगंबर दे सीने नाल भी प्यार करने आम जिस पैगंबर दे पसीने नाल भी प्यार है जिस पैगंबर दे मदीने नाल भी प्यार है अल्लाह अकबर अल्लाह। इसे वास्ते असी अपनी मोहब्बत और प्यार दा इजहार करने आम जावा सदके मदीने तो सोने लाल नगीने तो
जावा सद के मदीने तो सुने लाल नगीने तो जिथे सुताई नबियां दा सुल्तान बड़ा सोना जिथे सुताई नबियां दा सुल्तान बड़ा सोना दिता जिसनु खुदा बंद ने कुरआन बड़ा सोना जावा सदके मदीने तो सोने लाल नगीने तो इमाम अंबिया नल भी प्यार करने आ रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहर नल भी प्यार करने आ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नल भी प्यार करने आ इमाम अंबिया दी बात नल भी प्यार करने आ यही वजह है असी अपने खुतबे अंदर अपने प्रोग्राम अंदर अपनिया कॉन्फ्रेंस अंदर अपने दरसा के अंदर या अल्लाह के कुरान का जिक्र करने आ, या इमाम अंबिया दी हदीस फरमान का जिक्र करने आ। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इमाम अंबिया ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी इमाम अंबिया ने फरमाया वल मुताजालिसीन फिया जदों तुसी बैठते हो ना ते एक दूसरे कोल बैठिया भी मेरी रजा दी खातर कदो जदों एक दूसरे दे कोल मेरी रजा वास्ते बैठते हो मैं तुहाडे नाल प्यार करना मेरी मुहब्बत तुहाडे वास्ते लाजम हो जाती है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आओ जरा अगली बात फरमाया वल मुताजावीरीन फिया फरमाया जदो एक दूसरे दी ज़ियारत वास्ते जांदे हो एक दूसरे नू मिलन वास्ते जांदे हो ना अगर ते मेरी रजा वास्ते जाओगे मेरी रजा वास्ते मिलन वास्ते जाओगे ते फिर मेरा प्यार तुहाडे वास्ते लाजम हो जाएगा। एक महल्ले दे विचों दूसरे महल्ले अंदर मिलन जाओ या एक शहर दे विचों दूसरे शहर अंदर मिलन वास्ते जाओ एक मुल्क विचों दूसरे मुल्क अंदर मिलन वास्ते जाओ ना अगर मेरी रजा दे वास्ते मिलनी जाओगे ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तुहाडे अंदरों कोई भी दोस्त अपने दोस्त नूं मिलन वास्ते जाए अल्लाह अकबर सिर्फ अल्लाह पाक की रजा मकसद होए अल्लाह पाक खुश हो जाए अल्लाह नूं राजी करने वास्ते फिर याद रखिया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसे मुबारक अल्लाह फरमाते ने इस बंदे वास्ते मेरी मुहब्बत लाजम हो जाती है इस बंदे वास्ते मेरी मुहब्बत वाजब हो जाती है मैं इस बंदे नाल जरूर प्यार करना। अल्लाह अकबर अल्लाह। और आखिरी बात इस हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल मुताबाज़िलीन फिया जिहड़ा लुजड़े लोग एक दूसरे ते खर्च कर देने फिया मेरी रजा दे वास्ते मैनू खर्च करने वास्ते यारे बंदा बड़ा चंगा है मैनू खाना खिला दिया यारे बंदा बड़ा नमाजी है मेरा दिल करदा है नू मैं जनाबे वाला कोई इहदे नाल तावन कर दिया अल्लाह अकबर अल्लाह मेरी रजा दे वास्ते किसी की जरूरत पूरी कर दे हो ना मेरी रजा दे वास्ते किसी के बेटे बेटी की शादी के मौका ते तावन कर दे हो अल्लाह अकबर अल्लाह एक दूसरे दियां जरूरतां पूरियां कर दियो ना वल मुताबाज़िलीन फिया मैनू राजी करन वास्ते तुसी जनाब एक दूसरे ते अपना माल खर्च कर दियो चाय पिला दियो पानी पिला दियो कोई भी खर्च कर दियो याद रखिया जो फरमाया जड़े एक दूसरे ते खर्च कर दे ने एक दूसरे ते मेरी रजा वास्ते खर्च कर दे फरमाया उन्हां लोगां नाल मैं प्यार करना उन्हां लोगां नाल मैं मुहब्बत करना उन्हां लोगों नाल मेरा प्यार लाजम हो जाता उन्हां लोगों के नाल मेरी मुहब्बत जरूर हो जाती है ना अल्लाह अकबर अल्लाह। आओ ना मेरे दोस्तों मैं दसा कि अल्लाह पाक किन्ना लोगों नाल प्यार करदा है ना थोड़े वक्त अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां ज्यादा बातें ज्यादा हदीस आप दे ज्यादा फरामीन तेरे गोशो गुजार कर जावा इमाम अंबिया ने फरमाया अल्लाह पाक किन्ना लोगों नाल प्यार कर दे फरमाया इन हय्युल सिद्दीक
फरमाया कि अल्लाह पाक बड़े हया वाला है, अल्लाह पाक बड़ी पर्दा पोशी करने वाला, अल्लाह अकबर, अल्लाह हया वाला, अल्लाह पर्दे डालन वाला, पर्दा पोशी करने वाला। फरमाया युहिब्बुल हया वस्सित्रा, अल्लाह पाक हया भी पसंद कर देने, अल्लाह पाक हया वाले बंदे नाल मुहब्बत कर देने। ओ बंदा जड़ा बड़ा हया वाला, जिंदी जुबान अंदर बड़ा हया, जिंदी आँखां दे अंदर बड़ा हया, जिंदे कन्ना दे अंदर बड़ा हया, जिंदे जनाब बोलने दे अंदर बड़ा हया है ना, हया वाला बंदा हयादार बंदा, अल्लाह पाक इस बंदे नाल बड़ा प्यार कर दे, अल्लाह पाक नू इस बंदे नाल बड़ी मुहब्बत। और फरमाया वस्सित्रा, उस बंदे नाल भी अल्लाह पाक नू बड़ा प्यार है जिहड़ा परदा पोशी करन वाला, किसी दे ऐब नू देखिया ते नशर नहीं करदा, जगह जगह ते उन्नू जलील और रिसवा नहीं करदा। फरमाया परदा पोशी करदा है। एक रवायत अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया मन सतर नासा सतरहुल्लाहु यौमल कियामा, फरमाया जिहड़ा बंदा किसी दे ऐब ते परदा पांदा है, किसी दी गलती वेख के परदा पांदा है, नशर नहीं करदा, उन्नू जलील और रिसवा नहीं करदा, परदा पोशी करदा, कियामत वाले दिन अल्लाह पाक इंदे गुनाहों ते परदा पा देंगे। अल्लाहु अकबर, ना करिया कर अपने वीर नू अपने भाई नू जलील, ना करिया कर अपने दोस्तां नू जलील और रिसवा, ना उन्हां दे ऐबां नू लोगां दे सामने जिक्र करिया कर। फरमाया जड़ा बंदा परदा पोशी करदा है वस्सित्रा, परदा पोशी करन वाले बंदे नाल अल्लाह पाक प्यार करदे ने, अल्लाह पाक उन्दे नाल मुहब्बत करदे ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसे वास्ते फरमाया फाइदा तासलम अहदुकुम फलयस्ततिर, जदो भी कोई बंदा तुहाडे अंदर गुसल कर दे ते परदा करके गुसल करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हया करन वाला बंदा हयादार बंदा, और वो बंदा जड़ा बंदा परदा पोशी करदा है, अल्लाह पाक उस बंदे नाल बड़ा प्यार कर दे, बड़ी मुहब्बत कर दे ने। अगर चाहते हो अल्लाह पाक दा प्यार मिल जाए ते वालियां खूबियां अपना लेना, ये वालियां सिफत अपने अंदर पैदा कर लेना। आओ नजर अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह पाक दा प्यार किन्ना लोगों नू मिलदा, अल्लाह दी मुहब्बत किन्ना लोगों नू मिलदी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सहील बुखारी अंदर रवायत मिलती है, एक दफा ना अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफला भेजिया और उस काफले दा एक अमीर बनाया, ते जिहड़ा अमीर बनाया ना वो अमीर जदों भी जमात कराए, जदों भी जमात कराए, जदों भी नमाज पढ़ाए, हर रकत अंदर सूरा इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हर रकत अंदर ए वाली सूरत पढ़े। साथियों ने रोके, अबे तू हर रकत अंदर ही सूरा इखलास हर रकत अंदर ही? कहने लगे मैं तो एवें ही करना है, इसे तरह ही करना है, तुसी मैनू इमाम रखना है, रखो, नहीं रखना ना रखो, नमाज मेरे पीछे पढ़नी है, पढ़ो, नहीं पढ़नी ना पढ़ो, मैं हर रकत अंदर सूरह इखलास पढ़नी। खैर वक्त गुजरिया, काफला वापस आया, इमाम मुलंबिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम तशरीफ लेके आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहड़ा बंदा जिहड़ा साथी तुसां ने साडे ते अमीर मुकर्रर कीता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रकत अंदर ही सूरह फातिहा दे नाल सूरह इखलास पढ़दा है, या रसूलुल्लाह हर रकत अंदर ही सूरह इखलास पढ़दा, असां ने बड़ा मना कीता, रोकिया कि हर रकत अंदर ना पढ़िया कर, लेकिन वह कहन लगा कि मैं तो सूरह फातिहा दे नाल
सूरह इखलास पढ़नी पढ़नी है, जरूर पढ़नी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इमाम उल अंबिया ने फरमाया कि जाओ जाके उन्दे कोलो पुछ के आओ ना कि ओ वाला ये अमल क्यों करदा रहा, पुछो ते सही ना। उन्हें हर रकत दे अंदर सूरह इखलास क्यों पढ़ी है, हर रकत अंदर सूरह फातिहा दे नाल सूरह इखलास की तिलावत क्यों करदा रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह साथी जनाब सहाबा कराम और सहाबी दे कोल तशरीफ लेके आए, आके पूछे अभी तू क्यों पढ़दा रहे, वजह की है, वजह ते दसना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ते सहाबी वजह दस देने सिफातुर लिअन्ना सिफातुर रहमान व अना उहिब्बु अन अक्रा बिहा। कहन लगे मैं इस वास्ते सूरह फातिहा पढ़ता रहा वा कि इनके अंदर अल्लाह पाक दिया सिफतां ने, अल्लाह पाक दिया सिफतां ने ते मैनू पसंद है, मैनू प्यार है अल्लाह पाक दिया सिफतां नाल, सूरह इखलास नाल मैनू बड़ी मुहब्बत बड़ा प्यार है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह इस वास्ते पढ़ता रहा वा। इमाम उल अंबिया नू आके दसिया सहाबा कराम ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा कह रहा है इस वास्ते सूरह इखलास हर रकत अंदर पढ़िए कि इनके अंदर अल्लाह पाक दियाँ सिफतां ने ते मैनू बड़ा प्यार है। अल्लाह पाक दियाँ सिफतां, अल्लाह पाक दी जनाबे वाला सिफतां वाली सूरत नाल मैनू बड़ी मुहब्बत है ना, इस वास्ते हर रकत अंदर सूरह इखलास पढ़िए। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه। फरमाया मेरे सियाबा जाओ जाके उन्हें खबर दे दियो, उन्हें जाके दस दियो तेनों सूरह इखलास नाल प्यारे, ते सारी कायनात दे रब नू तेरे नल प्यारे। तू सूरह इखलास नल प्यार करना है, अल्लाह तेरे नल प्यार करदा है। पता चलिया जड़ा सूरह इखलास नल मुहब्बत करेगा, प्यार करेगा, कुरान नल मुहब्बत करेगा, अल्लाह उन्दे नल प्यार करेगा, अल्लाह उन्दे नल मुहब्बत करेगा। ओ यारो अल्लाह दी मुहब्बत चाहते हो कुरान दी तिलावत करिया करो, अल्लाह दी मुहब्बत चाहते हो सूरह इखलास पढ़िया करो, अल्लाह दी मुहब्बत चाहते हो सूरह इखलास नू समझो, सूरह इखलास दी तफसीर पढ़ लो, सूरह इखलास दे मुताबिक अपना अकीदा बना लो, सूरह इखलास दे मुताबिक अपना अमल बना लो। अल्लाह प्यार करेगा, अल्लाह मोहब्बत करेगा, अल्लाह तेनू अपनी रहमत और बरकत नसीब कर देगा। अगर चाहते हो अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए तो फिर कुरान की तिलावत करिया कर, नफलो नवाफल पढ़िया कर, सदका खैरात करिया कर, नफली सदका करिया कर। हाँ हाँ, जदो नफली सदका करोगे, नफलो नवाफल पढ़ोगे, अल्लाह इस दे जरिए भी मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आओ जरा दसा कि अल्लाह पाक किन्ना लोगों नाल प्यार करता है। अल्लाह अकबर। बात बड़ी लंबी लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इख्तसार नाल बात अर्ज करा। अल्लाह दे कुरान दियाँ चंद ऐता तेरे गोशो गुजार कर दिया कि अल्लाह किन्ना लोगों नाल प्यार करता है। ओ अल्लाह दी मुहब्बत नू तलाश करिया करो, अल्लाह दी मुहब्बत नू हासिल करने वास्ते मेहनत करिया करो, कोशिश करिया करो। अल्लाह दी मुहब्बत हासिल करने वास्ते अल्लाह अकबर मेहनत करोगे ना, अल्लाह मेहनत नू जाया नहीं जाने देगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। तुसी दुनिया वालियां दियां मोहब्बतां तलाश करदे हो कि मैं फला बंदे दे करीब हो जा, मैं जनाब वजीर आला दे करीब हो जा, उनकी मोहब्बत मिल जाए, वजीर आजम की मोहब्बत मिल जाए, मैनू जनरल कर्नल और जनाब बड़े बड़े अहदेदारां दे नाल मेरे ताल्लुक कायम हो जान, उन्हां नाल मेरी मोहब्बत कायम हो जाए और मेरे नाल प्यार करन। ओ यारो ये दुनिया दियां मोहब्बतां दुनिया ते रह जानियां ने, ये दुनिया दियां मोहब्बतां तैनू दुनिया अंदर ते थोड़ा बहुत फायदा दे सकदियां ने, लेकिन आखिर अंदर फायदा दे सकती है तो उस खालिक मालिक दी मोहब्बत फायदा देगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने अपने कुरान करीम अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमान दे वा अहसिनू
अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगो नेकियां करया करो, एहसान करया करो, एहसान अहसिनु। इस दे तीन माने ने, वक्त होंदा मैं तिना मानियां दी तशरीह तौसीह करदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तीन माने मुफस्सरीन ने जिक्र की थे, फरमाया एहसान करया करो। एहसान की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आगे सवाल किते मल ईमान मल इस्लाम मल इहसान। लंबी हदीस फरमाया ईमान किए इस्लाम किए। इमामुल अंबिया ने जवाब देते फरमाया मल इहसान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान किए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया एहसान या कि तू जो अल्लाह पाक की इबादत करें तेरा तसव्वुर होए, तेरा ख्याल होए कि मैं अपने रब न देखना पियावा, अपने रब न अपने मालक न देखना पियावा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ते अगर ये ख्याल ना बन सके, ये ख्याल ना बन सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ये ख्याल पैदा कर ले कि मेरा मालक मैनू देखदा पिया है, मैं रुकू कर रहा मेरा मालक मैनू देखदा पिया है, मैं सजदे अंदर हाँ मेरा मालक मैनू देखदा पिया है, मैं क्याम अंदर हाँ मेरा मालक मैनू देखदा पिया है ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्ता जरा गौर ते करना है, दुनिया का मामला है ना कि एक फैक्ट्री का मालक जो सिर ते खड़ा हुए ना ते जनाब ये मुलाजम बड़ी ध्यान नाल काम करेगा, बड़ी तवज्जो नाल काम करेगा, किधरे ऐसा ना हो मेरे को गलती हो जाए, मेरा मालक मैनू किधरे छुट्टी ना करा देवे। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ी तवज्जो नाल काम करेगा। उते सारी कैनात दा बादशाह, सारी कैनात दा खालिक, ओ सारी कैनात दा मालिक है, जदो तेरे तसव्वुर अंदर होएगा मेरा मालक मैनू देखदा पिया है, अल्लाह दी कसम तेरे दिल की दुनिया ही कुछ और होएगी ना, तेरा खुशू कुछ और होएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह जदो ए वाली बात तेरे तसव्वुर अंदर होएगी मेरा रब मैनू देखदा पिया, तेरे खुशूद आलम ही बहुत बुलंद होएगा। अल्लाह अकबर। एहसान ए खुशू खुशू नाल नमाज पढ़ना, इस तसव्वुर नाल नमाज पढ़ना कि मेरा रब मैनू देखदा पिया है, ए एहसान है। दूसरा एहसान, किसी का हक देना है ना तो उनके हक तो कुछ ज्यादा उन्होंने दे देना, ये भी एहसान है। वक्त होंदा मैं मिसाल दे के बात समझांदा। तीसरा माना, किसी नाल नेकी करना, किसी की जरूरत पूरी कर देना, किसी नाल जनाबे वाला तावन कर देना, मुआमनत कर देना। अल्लाह अकबर, किसी की मुश्किल अंदर उनके कम आ जाना, ये भी नेकी है। सहाबा कराम यहोजियां बड़िया नेकियां करया कर दे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम अंदर ऐलान फरमाया वा अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, लोगो एहसान करया करो, एहसान करया करो, नेकियां करया करो। अल्लाह पाक नेकी करने वाले नाल प्यार करदा है, अल्लाह पाक एहसान करने वाले नाल प्यार करदा है। आओ जरा अल्लाह पाक किन्ना लोगों नाल प्यार करदा, अल्लज़ीना युन्फिकूना फिस्सर्रा वज़्ज़र्रा والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। फरमाया कि वो लोग जड़े अपनी जनाब तंगी दे अंदर भी अल्लाह दे रास्ते अंदर खर्च कर देने, खुशहाली दे अंदर भी खर्च कर देने, और गुस्सा आ जाए तो गुस्से नूं पी जांदे ने, लोग कोई ज्यादती करन ते लोगां नूं माफ भी कर देंदे ने। फरमाया ऐसियां नेकियां करन वालियां नाल अल्लाह प्यार करदा है। आओ नजर आखिरी बात अर्ज कर दे, अल्लाह किन्ना लोगां नाल प्यार करदा है। फरमाया قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ فرماتے ہیں اگر میری محبت چاہتے ہو اگر چاہتے ہو ساڈا رب ساڈے نال پیار کر لوے پھر میرے محبوب دے پیچھے پیچھے چلو میرے محبوب دی سنت نال پیار کر لو میرے محبوب دی اتباع فرما برداری کر کے تسی زندگی گزار لو اپنی غمی خوشی اٹھنے بیٹھنے معاملات گھریلو معاملات سیاسی معاملات تمام دے تمام معاملات اندر میرے محبوب دی اطاعت اور فرما برداری تسی کر لو میں ساری کائنات دا خالق و مالک تواڈے نال پیار کراں گا میری محبت تانو نصیب ہو جائے گی. میرے بھائیو اے اسباب اے ذرائع سانو اختیار کرنے چاہیے نے تاکہ اللہ دی محبت نصیب ہو جائے اللہ دا پیار نصیب ہو جائے. جدو اللہ اپنے بندے نال پیار کردے نے نا تے پھر بندے دنیا دے اندر بھی اللہ رب العزت بندیاں دے دل اندر پا دیندے کہ میں فلاں بندے نال پیار کرنا تسی بھی پیار کرو. آسمان تے بھی وہ بندہ مقبول ہو جاندہ زمین اندر بھی وہ بندہ مقبول ہو جاندہ ہے ہر کوئی بندہ اس بندے دی تعریف کر کے ان دے نال محبت اور پیار کر دے. اللہ کے دعائے اللہ رب العزت سانو ایسے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے کہ اسی اللہ دی محبت اللہ دے پیار دے مستحق بن جائیے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.